हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसे कि SBI PO और RBI असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैं एग्जाम टाइम में कैसे प्रिपेयर करता था। तो एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं क्या करता था कि एग्जाम के टाइम में डेली प्रीलिम्स का एक मॉक लगाता था और उसका एनालिसिस भी करता था। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें एरर्स पता रहेंगे और हम टाइमली इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे ही बहुत एग्जाम जो है बहुत क्लोज आ जाता है, यानी कि एक वीक बचता है या चार दिन बचते हैं, तो उन दिनों में हम दो दो मॉक्स भी लगा सकते हैं। और मैं यही करता था कि मैं दो मॉक मैक्सिमम लगा लेता था, दो से ज़्यादा नहीं लगाता था क्योंकि मेंस के लिए भी पढ़ना होता था, इसलिए दो मॉक लगाता था एग्ज़ाम के बिल्कुल क्लोज आके और उसका एनालिसिस करता था। लेकिन एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले, जैसे अभी टाइम है, तो एक मॉक से काम चल जाएगा। दिन में सुबह एक मॉक प्रीलिम्स का लगाओ और उसका एनालिसिस कर लो, ठीक है। इसके अलावा पूरा दिन बचता है हमारे पास, जो बच्चे जॉब में नहीं है पूरा दिन प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास बहुत टाइम बचता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करता था मैं और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और अब बात आती है उनकी जो प्रीलिम्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि परसेंटाइल उनकी जो है मॉक्स में ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, उनको क्या करना चाहिए। उनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई आप अभी प्रीलिम्स पे ही पूरा फोकस करो, क्योंकि जब प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस करके क्या करोगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स पे पूरा दिन दो, एटलीस्ट पूरा दिन दो। आप करंट अफेयर के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो, ताकि मेंस का जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना आए, लेकिन पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रीलिम्स की स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरा दिन प्रैक्टिस करोगे तभी इतनी स्पीड बनेगी। अब बात आती है कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए मॉक्स में। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के मॉक्स में 90-95 प्लस परसेंटाइल अगर आपकी जा रही है तो आप मेंस पे फोकस कर सकते हो। अगर नहीं जा रही तो पहले आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, अपनी परसेंटाइल इतनी इंप्रूव करनी है, देन आप मेंस पे फोकस करना, ठीक है। तो मेंस की वीडियोस आगे देखेंगे हम, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।